बेतिया के सभागार में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर जिला अधिकारी श्री कुंदन कुमार जी के अध्यक्षता में सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों की को शुभकामनाएं दी और साथ ही कहा कि बेतिया को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। साथ ही भाईचारा से रहने का संदेश दिया है और एक दूसरे की मदद करने की भी बात कही है और उन्होंने बताया कि तब जाकर हमारे देश का विकास आगे बढ़ेगा। और उन्होंने बताया कि कोई भी काम करना है निष्पक्ष तरीके से करना है, क्योंकि एक सच्चे पत्रकार का काम निष्पक्ष होता है और जब तक हम लोग निष्पक्ष तरीके से काम करते रहेंगे हमारे समाज और जनता हमसे खुश रहेगी और जनता की सेवा करना ही सबसे बड़ा निष्पक्ष काम है। बेतिया से साबिर अली की रिपोर्ट। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर उपस्थित हमारे एडीएम साहब, हमारे एडीएम लोक शिकायत, हमारे डीपीआरओ साहब, जिला प्रशासन के सारे अन्य पदाधिकारी हैं और हमारे सारे पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को पूरे जिला प्रशासन की टीम की तरफ से और जो लोग यहाँ नहीं भी आ पाए हमारे पदाधिकारी सभी की तरफ से, पूरे जिला प्रशासन की टीम की तरफ से आप सबों को आज प्रेस दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ और कामना करता हूँ जो आप लोग काम कर रहे हैं वो और बेहतरीन तरीके से कर पाए। ये अच्छा था कि आप लोगों ने एक एक ने अपनी बात को रखा, उसमें बहुत सारी बात हुई और जो बातें आई हैं उसको नोट भी किया गया है और उसमें देखी जाएगी कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या प्रायोरिटाइज करके उसको किया भी जाएगा। लगातार एक बात टॉपिक राष्ट्र निर्माण में प्रेस की भूमिका से थी, बट मुझे लगा मैक्सिमम लोगों ने जो बोला वो अलग था। मतलब मुझे लगता है कि अपनी बात आप जो टॉपिक आपको आपके ही तरफ से आया है, पूरे हर जगह यही बात हो रही होगी इसी टॉपिक पे, तो टॉपिक के साथ साथ अपनी बात भी रख सकते थे वो और अच्छा लगता, क्योंकि उसमें और आप चीज़ें बता पाते। एक ही बात रिपीटेडली सभी लोगों ने बोला, मेरी इच्छा थी कि आप अगर वो भी बात बोलते तो हम लोग को अच्छा लगता कि राष्ट्र निर्माण में प्रेस की क्या भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। बात आई सकारात्मक नकारात्मक खबर की, ये क्लास आधा भरा हुआ या आधा खाली, ये चर्चा का विषय हमेशा रहा है। कुछ लोग इसको बोलेंगे कि आधा खाली तो ये नकारात्मक हो जाएगा, कुछ लोग बोलेंगे कि आधा भरा हुआ है, जिनके पक्ष की जैसी बात रहेगी तो ये सकारात्मक बात होगा। लेकिन अगर हमको समाज को और अपने जिले को आगे बढ़ाना है तो हम सभी लोगों को मिलकर ये प्रयास करना है कि अगर ये आधा खाली भी है तो इसको भरें कैसे हम दोनों लोगों के लिए, ठीक, ये बहुत आवश्यक है। देखिए मैं जो फील कर सकता हूँ, मैं अभी किसी ने कहा कि आप लोग तो सर आते जाते रहते हैं, हमारे अतिथि हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जितने दिन यहाँ हूँ शायद यहाँ की किसी भी व्यक्ति से ज्यादा अपनी मातृभूमि में समझता हूँ और कर्मभूमि समझता हूँ और शायद उतना पेड़ लेता हूँ इसके लिए और ये मन करता है कि इसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दें इस धरती को। वो मेरे दिल की फीलिंग है और वो कोई छीन नहीं सकता, वो मेरा पर्सनल फीलिंग है, उसके लिए मैं लगातार काम कर। सकारात्मक नकारात्मक की आप बात देखें, नकारात्मकता कुछ है ही नहीं प्रेस के मामले में, अगर मैं बात करूँ बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है आप लोगों के लिए, सकारात्मक पक्ष है बिल्कुल है और उसके बारे में भी मैं बात कर रहा हूँ, बट नकारात्मक बात की नकारात्मक बात नहीं है बल्कि एक फीडबैक सिस्टम हम लोगों के लिए, और अगर ऐसा नहीं है तो कोई भी अगर चेक करना चाहते हैं तो आप लोगों के सभी जगहों के जो न्यूज आते हैं वो कलेक्ट होकर एक साथ फीडबैक के रूप में आते हैं मेरे पास सॉफ्ट कॉपी के रूप में, और सबसे पहले उसमें सकारात्मक भी होते हैं वो भी होते हैं और कुछ विशेष अगर होता है, जैसे कल हम लोगों ने कुछ विशेष अगर है तो मेरे पास आ चुका है तो मैं देखूंगा कि कल इन दोनों टॉपिक के अलावा और अलग चीजें क्या है, कल कुछ विशेष हुआ होगा तो वो भी आया होगा। नियोजन मेला से संबंधित कल, क्योंकि वो कल विशेष था वो अलग से आया मेरे पास, जो भी कवरेज आपने किया, बट मेरे पास जितने न्यूज पेपर हैं जो बताया उन्होंने कैंडिडेटी जो है सभी, तो वो सबके सब इसमें है। जो आप नकारात्मक खबर बताए वो तो फीडबैक सिस्टम है।